तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार पिकेटेक में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप अपने फोन में VLC वीडियो प्लेयर पर कोई भी वीडियो देखते हो, कोई मूवीज देखते हो, तो होता क्या है कि उस मूवीज की क्वालिटी आपको बहुत ज्यादा लो दिखाई दे रही है, यानी कह सकते हो बहुत ज्यादा बैड क्वालिटी आपको शो हो रही है, जबकि वो मूवीज या वीडियो काफी अच्छी क्वालिटी में है, यानी उसका प्रिंट काफी अच्छा है, फिर भी आपको वो लो क्वालिटी में शो हो रही है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप उसकी क्वालिटी को ओरिजिनल क्वालिटी में देख सकते हो बहुत आसान तरीके से। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त कि आप लोग चुपके से वीडियो देख लेते हो किंतु चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, सपोर्ट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ मेरे दोस्त। सिंपली भी मैं आपको यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले मेरे दोस्त क्या करना है मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो VLC प्लेयर है या कोई भी वीडियो को प्ले कर रहा है तो उसकी जो क्वालिटी वो हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा लो क्वालिटी आपको शो हो रही है, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि VLC मीडिया प्लेयर में ऐसी कोई भी सेटिंग नहीं है जिससे कि आप अपनी किसी भी वीडियो की जो क्वालिटी उसको इंक्रीज कर पाओ। लेकिन हाँ, अगर आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी खासी है, अच्छा खासा प्रिंट है, कोई भी वीडियो है, मूवी है, उसका अच्छा खासा प्रिंट है, लेकिन VLC में जैसे ही आप ओपन करते हो तो उसकी क्वालिटी गिर जा रही है, तो इसका मैं सॉल्यूशन आपको देने वाला हूं। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए होता क्यों है, पहले ये सुन लीजिए। ये इसलिए होता है कि हम अपना जो VLC मीडिया प्लेयर है वो काफी महीनों से, काफी सालों से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिससे कि कैच मेमोरी बहुत ज्यादा क्या होती है, यहां पर स्टोर्ड हो जाती है, जिससे होता क्या है कि आपकी जो वीडियो की जो क्वालिटी होती है वो VLC प्लेयर हमेशा उसको लो डाउन करके ही दिखाता है। तो सिंपली इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहां पर आपको आपके VLC मीडिया प्लेयर पर सिंपली टैप किया है। जैसे आप यहां पर टैप किए रहोगे तो यहां आपको ऑप्शन आएंगे तीन, पहला आएगा ऐप इंफॉर्मेशन, दूसरा आएगा यहाँ पे अनइंस्टॉल और तीसरा आएगा शेयर। तो सिंपली आपको क्या करना है मेरे दोस्त, यहाँ पे ऐप इंफॉर्मेशन पर टैप कर देना। जैसे आप यहाँ पे टैप करोगे तो यहाँ अब आपको क्या करना है, स्टोरेज यूसेज पे आपको चले जाना है। कहाँ जाना है मेरे दोस्त, स्टोरेज यूसेज पे आपको सिंपली टैप कर देना है। जैसे आप यहाँ पर टैप करोगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको दो मेमोरीज शो होंगी, पहला होगा क्लियर कैच, दूसरा होगा क्लियर डाटा। आपको दोनों मेमोरीज क्या कर देनी है, यहाँ पे क्लियर कर देनी। जैसे आप यहाँ पे क्लियर करो, चलिए मैं कर देता हूँ क्लियर, क्लियर कर देने। क्लियर करने के बाद सिंपली आपको बैक आ जाना, बैक आने के बाद आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे प्ले स्टोर पर सिंपली चले जाना है। तो चलिए मैं यहाँ पे प्ले स्टोर पर चले जाना हूँ, प्ले स्टोर पर आपको सर्च कर लेना है यहाँ पे क्या, VLC। VLC आपको सर्च करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे देख लेना, और अगर आपके में अपडेट का ऑप्शन आ रहा है तो आप इसको अपडेट कर लीजिए, अगर अपडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरी यार। अब ये आपके फ़ोन में ज़्यादा वीडियो की क्वालिटी क्या नहीं करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा, यानी कह सकते हो कि किसी प्रकार से आपकी जो ओरिजिनल वीडियो की क्वालिटी है वही आपको आपके मीडिया प्लेयर में शो होने वाली है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।